पर इतनी भारी संख्या में पधारी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य आकर्षण संसदीय क्षेत्र सीकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी परमाननीय सुभाषजी भैरिया साहब आपके साथ में हैं। सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव आ गया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहनत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आपने लगातार तीन बार राजस्थान की विधानसभा में यहां से मुझे भेजा। 5 साल 8 से 13 में सरकार थी, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने काम करने का प्रयास किया। आपने पुनः आशीर्वाद दिया, पुनः विधायक बने, सरकार बीजेपी की आई, लेकिन 5 साल आपका कोई भी ऐसा मुद्दा, चाहे वो किसान का हो, चाहे बेरोजगार का हो, युवा का हो, महिलाओं का हो, छात्रवृत्ति का हो, नौकरी का हो, बिजली के कनेक्शन का हो, चाहे कोई गौशाला का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्कूल का हो, सब मुद्दे राजस्थान की विधानसभा में आपकी तरफ से मैंने उठाए। परिणाम आप सबके सामने है कि राजस्थान की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा लक्ष्मण गढ़ के जनता को, लक्ष्मण गढ़ के प्रतिनिधि को आप सबके आशीर्वाद से बुला। उन्हें दोबारा चुनाव आए, अब की बार हमारे साथ में बड़े भाई के रूप में आदरणीय मैरिया साहब थे। गांव गांव ढाणी ढाणी में घूमे, पूरे सीकर जिले में कांग्रेस के लिए अलग जगाई। परिणाम यह निकला कि राजस्थान में तमाम पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिला। सबसे ज्यादा सीकर जिले में प्रचंड बहुमत मिला और इसका परिणाम भी आपके सामने है कि न किसी की किचकिच, न किसी की पिचपिच। आपका प्रत्याशी सुभाष भैरिया कांग्रेस की तरफ से बना, यह आप सबका ही आशीर्वाद था। आपने एकता के साथ में राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस को सबने मिलकर के मजबूत किया, इसलिए राजस्थान में सरकार बनी और सबकी एकता की आवाज पूरी दिल्ली आला कमान तक, राहुल गांधी तक, हमारे अशोक गहलोत जी तक और सचिन पायलट जी तक गई और उन्होंने यूनानी मसीह सुभाष जी भैरिया को उम्मीदवार बनाया। सुभाष जी भैरिया के बारे में किसी को ज्यादा कहने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। आप सब देख सकते हैं कि इनका पूरा परिवार 60-70 साल से राजनीति में, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीच में बीजेपी में, इन्होंने 3 बार यहाँ से सांसद रहे। हार जीत चलती रहती है, लेकिन कभी भी सुभाष जी भैरिया से दिल्ली में रह करके 15 साल में कभी भी सीकर का नाम नीचा नहीं होने दिया। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आज आप देख सकते हैं कि आपने जो विधानसभा में परिणाम दिया, सीकर जिले में सबसे ज्यादा जीत मेरी झोली में डाली, मुझे आशीर्वाद देकर के, उसका परिणाम राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में आपके सामने आपके आशीर्वाद से होगा। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई ऐसी राजनीतिक परिवार नहीं था। एक मास्टर का बेटा था, वकालत करता था, आपने उठाया, सरांकों पे बैठाया, प्रधान बनाया, एमएलए बनाया, पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, विधानसभा में सचेतक बनाया, पुनः विधायक बनाया, राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया। ये मेरे लिए कोई कम बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये सब आपका आशीर्वाद था, आपके कारण से ये संभव हुआ। आज राम और लक्ष्मणगढ़ की जोड़ी जो मैंने विधानसभा में कही थी कि मेरे बड़े भाई के रूप में राम के रूप में हमारे सुभाष जी भैरिया साहब हैं, लक्ष्मणगढ़ के रूप में मैं हूँ और आप हनुमान के रूप में हमारी सेना हो, जिस सेना के कारण से राम और लक्ष्मण की जीत हुई थी। मैं समझता हूँ समय आ गया है कि हम सबको मिलकर के आने वाले चुनाव में सुभाष जी भैरिया जी को यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजस्थान में सबसे ज्यादा जीत अगर कहीं हो तो यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से हो और सीकर से हो, ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया। मंच के ऊपर चाहे मीना जी हो, चाहे द्वारका भाई जी हो, सेवता जी हो, महावीर सैनी जी हो, हमारे उपप्रधान जी हो, हमारे चेयरमैन जी पवन जी हो,
पीएस जाट साहब हो, चाहे यूसुफ साहब हो, सुल्तान जी हो, जागीर साहब हमारे गोपीराम जी हो, चाहे जवाहर जी हो, दिनेश कसवा जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे हेमराज जी सरपंच साहब हैं, नत्थू खां जी हैं, आप बाबू खां जी बैठे हैं, ओम जी बाबू जी बैठे, तमाम सारे के सारे सलाम भाई वहां से आए हैं, राकेश जी सियाग हमारे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि है, डॉक्टर जी रमेश जी भी हैं, शिवराज सिंह जी भी हैं, आप तमाम सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि सुभाष जी मैरिया ने जिस प्रकार से आपके सुख दुख में भागीदारी निभाई है, जब से ये राजनीति में हैं, हम सबके साथ में हैं, आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने का समय आ गया है, आपके पास मंदिर बहुत है कि भाई देखिए हमें सुनीतानंद जी जो हमारे एमपी हैं उनसे एक ही सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि सुवेदानंद जी दोनों जगह सरकार आपकी थी, आपका मेडिकल कॉलेज जिसके आप वाई वाई रोकते थे वो मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो वादे आपकी सरकार ने आपके बीजेपी के मंडल ने किए थे, मोदी जी ने किए थे, इन बेरोजगार जो युवा है हमारे उनके लिए नौकरी आपने लाने की बात की थी, वो नौकरी कहाँ है, काला धन कहाँ है, 15-15 लाख रुपए कहाँ है, ये सारी चीजें 20-20 हजार स्कूल बंद करने का जो काम किया था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यही सुविधा ने जीते। मैं समझता हूँ जो आज राजस्थान में 543 में जो सबसे कम सवाल पूछने वाला, सबसे कम बोलने वाला और सबसे कम जिनकी क्रेडिबिलिटी काम करने की है उसमें हमारा नीचे नीचे नंबर सीकर का है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए आप सबको पता है कि जो 5 साल में एक सब सेंटर खुलवाया और दोनों जगह सरकार होने के बाद में ये पीएचसी बना रखी, हमारे 2008 से 2013 के समय में कांग्रेस के समय में खुली थी, 832 करोड़ की योजना वो उस वक्त आई थी। आप एक काम बता दीजिए, 100 रुपए का एक सब सेंटर, एक ट्यूबवेल बता दीजिए, एक काम नहीं, केवल मोदी 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 मारे सज्जन जी भी मोदी है, सज्जन जी साबण फैक्ट्री और मोदी जी है, तो ऐसे मोदी मोदी करने से नहीं, आपको देखो वही मोदी जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं 5 साल बाद में हिसाब दूंगा, वो हिसाब लेने का समय आ गया है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे यहाँ का सांसद हो, 5 साल में क्या किया उसका हिसाब लेने की जरूरत है। क्या बाबा जी बता दें, बलाराम काई करो, चूड़ी में काई करो, खेड़ी में काई करो, लक्ष्मणगढ़ के लिए काई करो, केवल एक ही बात, देश को सुरक्षित रखना है। बाबा जी देश ने सुरक्षित की है कि बाबा जब वो काम था वो बाबा को कर उचाई जाए, देश ने सुरक्षित रखा प्रवचन थाने से के लिए समान रूप से देना चाहिए, प्रवचन जो दारू छुड़ाओ काम थारू थोड़ी है, मेकरा का कोई की दारू छुड़ानी है पकड़ानी है, ये बाबाओं का काम थोड़ी है, कहां से क्या काम ले लिया क्या नहीं ले लिया मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए सब लोग समझे हुए, सब लोग समझे हुए, अब समय आ गया, कोई ज्यादा समय नहीं है, भाषण की कोई बात नहीं है, आप सबने आशीर्वाद दिया है, कई तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, कई तरह की बातें लाएंगे। एक दिन मैं देख रहा था एक टीवी में लाइन चल रही थी, अभी जी मैरिया जी एक मंत्री को साधने में नाकाम थे, तो भाई राम और लक्ष्मण से ज्यादा तो कोई बात हुआ को नहीं, उनसे साधवान को नहीं, इनकी फितरत में है, इनके झूठ बोलना फितरत में है, ये फालतू की बातें करने के आते हैं, हम सब एक हैं और एकता के साथ में ऐसा जवाब देंगे कि जिंदगी भर उनकी चोट सहलाते रहेंगे लेकिन ठीक नहीं होगी। हम सब मिलकर के 1.25 लाख इस लक्ष्मणगढ़ से देंगे, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहनत से। 12 तारीख को नॉमिनेशन आप सबको बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, साधन वादन की बात कर लेंगे, तेरा मेरा की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब एक है। मैंने मेचवा में भी कहा था, लक्ष्मणगढ़ में भी कहा था कि अगर कोई भाई
कल कांग्रेस को वोट नहीं दे पाया था, आज कांग्रेस को आपके साथ मिलकर के देना चाहता है, तो उसका वोट लेने की आवश्यकता है। वोट बड़ा कीमती होता है, ये कहने की कहीं आवश्यकता नहीं है कि कल कहाँ थे। अपन 32,500 में थे 2008 में, फिर 57 में आए, फिर 98-98.5 भी आए, और अब 1,25,000 में लेने के लिए नए आदमी को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो जुड़ जाएगा वो अपना आदमी, अपना कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता होगा। इसलिए दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, कुछ बिना मतलब की चूर चप्पट कोई करता है ना, उसको वही कह देना कि ये तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी में चलता, हमारे यहाँ नहीं चलता। हम तो सब एक है, एकता के साथ में हम तन मन धन से लग करके सुभाष जी मैया को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। 12 तारीख को 11 बजे मंडी प्रांगण में ऐतिहासिक मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, अविनाश पांडे जी आएंगे, और मैं समझता हूँ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने की इबारत लिखी जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को बला रंगे हमारे जयमल भाई और तमाम सरपंच जी, यमराज जी को और गौरुखा जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सबने एक शानदार कार्यक्रम किया। आप सब आसपास के सारे लोग पधारे। आज का जो कार्यक्रम था यही था कि प्रमुख कार्यकर्ता नेचुआ ब्लॉक के नेचुआ में आ जाएं, लक्ष्मणगढ़ शहर के लक्ष्मणगढ़ में आ जाएं, 5-7 पंचायतों के वहां पर यहाँ के यहाँ आ जाएं, तो हम सब लोग एक विधिवत शुरुआत हमारे लोकसभा चुनाव की कर सके। आप सब आए, आपने श्री गणेश लिया, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि 5 साल आपका है, राज आपका है, यहाँ पर राज आपका, ऊपर राज आपका बनने जा रहा है। दिल्ली में हमारी कोई भी बात सुभाष भेड़िया जी नहीं कम होने देंगे, राजस्थान की सरकार में हम मिलकर के यहाँ आपकी कोई बात कमी नहीं होने देंगे। विकास की गंगा बहाएंगे, विकास के काम कराएंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सब लक्ष्मणगढ़ का विकास करेंगे। आप सब आए, आपको पुनः धन्यवाद। अब मैरिया साहब बोलेंगे, उसके बाद में ये माला आप सारे लोग मैरिया जी को लक्ष्मणगढ़ तमाम लोगों की तरफ से पहना करके इनको आगे के कार्यक्रम के लिए विदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई वक्ता और बोलना चाहते थे, जरूरत भी थी, लेकिन समय का थोड़ा सा अपना तकाजा है कि पहले से 2 मीटिंगें रख ली गई, इसलिए मैं समझता हूँ आप सबको माफ करेंगे। मैं आदरणीय मैरिया साहब से निवेदन करूंगा कि वहां पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। पुण्य पवित्र भूमि पर आयोजित आज के इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लक्ष्मणगढ़ और हमारी ग्राम इकाई के द्वारा आयोजित सम्मेलन में अभी आदरणीय भाई गोविंद सिंह जी डोटासवा ने बहुत विस्तृत से सारी बातें बताई। आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा ने सर्टिफिकेट दे दिया, पूरे राजस्थान की जनता ने सर्टिफिकेट दिया कि नंबर 1 विधायक बनेंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने फिर 1,00,000 वोट देकर सर्टिफिकेट दिया, इसलिए आपसे धन्यवाद की बात करता हूं। आदरणीय प्रियंश जाट साहब हमारे बीच राजीव में है, भाई यूसुफ साहब, द्वार जी, दिनेश जी, गोपी जी, पवन जी चेयरमैन साहब राजे, मुकेश जी, मालवीर जी, आदरणीय मदन जी, पहलेवाल जी, मत्स्य का देश को नाम नाम टाइम टू मैन सम्मानित मंच राज्य के सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन, नौजवान मित्रों, मीडिया के दोस्तों, बड़े भाई, छोटे छोटे, आठ विधानसभा क्षेत्रों का ये इलेक्शन, एक लोकसभा के बाकी में करीब 20,38,000 मतदाता और 33,00,000 लोगों की इस इलेक्शन पर नजर। ये हमारा सीकर लोकसभा है, जिस लोकसभा की आवाज 5 साल में देश की पार्लियामेंट में कितनी गूंजी, 5 साल पहले केंद्र की सरकार ने जो आज वर्तमान में काम कर रही है, पूरे देश के अंदर से क्या कहा,
प्रदेश की जनता से क्या कहा और हमारे इस सीकर जिले और सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या कहा, उस पांच साल का हिसाब किताब जो है उसका लेखा जोखा जो है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट साल के साथ ऑडिट करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेता है, वैसे ही पांच साल बाद जनता के हिसाब लेने के लिए अपनी ओर से अधिकृत है, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति जिला परिषद का मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी, क्योंकि आप जब चुनते हैं उस समय उसके साथ समय सीमा बंदी भी है कि पांच साल के लिए ये इलेक्शन है, पांच साल के लिए इसको चुना गया है। अब पांच साल का हिसाब किताब लेने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जो है वो तैयार बैठ रहे हैं। हिसाब किताब क्या लेना है, हमको हिसाब किताब पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसान के लिए कहा कि अगर 4,000 रुपया आपका लागत मूल्य है तो 2,000 रुपया उसमें जोड़कर 50% मुनाफा, 6,000 रुपये में सरकारी खरीद होगी, अगर खरीद हुई है तो किसान शाबाशी देगा, अगर खरीद नहीं हुई है तो किसान उस बात के लिए अपनी बात रखेगा। 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी, अगर नौकरियां दी गई है तो स्वागत होगा, नहीं दी गई है तो पूछा जाएगा कि भाई वो नौकरियां कहां हैं। पूरे देश के बजट में हमारी हिस्सेदारी, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, 72% लोग हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हमारे प्रदेश के बजट का जो हिस्सा है वो मुश्किल से 27-28 पैसा खर्च होता है, और जो महानगर है, जो बड़े बड़े धनाढ्य घराने हैं, उनके ऊपर देश का 70-72% बजट खर्च होता है। बस ये एक अंतर जो है, ये अंतर जिस दिन मिट जाएगा, संविधान में लिखा हुआ है, वास्तव में कहा जाता है, लेकिन केंद्र की सरकार हो, वहां का जो बजट जो है वो पत्नी व्यक्ति और भौगोलिक क्षेत्र पर जो हमारा है उसके निवास से जिस दिन आवंटित हो जाएगा, उस दिन हर परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक रूप से परिवार सक्षम हो जाएंगे, गांव सक्षम हो जाएंगे, हमारे जिला सक्षम हो जाएंगे। आज आजादी के 70 साल बाद भी पानी के हैंडपंप के लिए हर गांव ढाणी में ज्ञापन देने के लिए गांव के बुजुर्ग लोग, माताएं बहने खड़े जब दिखाई देते हैं, तो आजादी के बाद क्या ये 70-72 साल बाद ज्ञापन लेकर खड़े होना ही हमारा काम है? क्योंकि बजट का आवंटन पूरा हमारे हक का, हमारे हिस्से का हमको मिलता नहीं है। इसलिए मित्रों, ये जो समय है, ये समय 2-3 बातों के लिए, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, आप लोगों ने यहां से जो सहयोग दिया, शानदार सहयोग दिया, आपको तोहफा दिया, मंत्री के रूप में जो 5 साल में काम किया एक प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में, और आपने जो शानदार 1 लाख वोट देकर जो तोहफा दिया उसका सरकार ने, पार्टी ने आपको तोहफा दिया। अब आप पूर्ण रूप से विकास के कामों के लिए जी जान से कहिए, हर काम होगा। हमारे इलाके बड़े पहचान वाले, वार्ड के पंच में ये देखते हैं कि इस गली में मतलब नहीं है तो पंचायत में जाकर सरपंच से कहेगा कि सरपंच साहब बदल बदल, ये सरपंच जी खड़े ये कहेंगे पंचायत समिति में जाकर कि मेरी पंचायत के बजट में इतना पैसा आना चाहिए था, कम आया तो कोई देगा? विधायक के रूप में विधानसभा में और जितने डिपार्टमेंट है उसमें जाकर विधायक जी जो है वो लक्ष्मणगढ़ के जो विधायक है, राजस्थान के मंत्री है, लेकिन फिर भी अपने इलाके के लिए एक विधायक के रूप में इनको बार बार कहनी पड़ेगी, तब जाकर वो पैसा आएगा। जब कोई चिट्ठी लिखता है तो उसमें ये लिखता है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अपने बाबा जी अगर ये चिट्ठी कभी लिखते कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीकर में, वो इसलिए भी लिख पाए कि उनके दिल में आवाज भी थी कि यार मैं यहाँ रहने वाला नहीं, बिना मांगे वोट मिल गए, वोट देने वाले को ये पता नहीं कि वोट दिए किसने, और वोट देने वाले को ये पता नहीं कि
वोट दिए किसको, इतने सोए से काम हो गए वोट क्या चाहिए भाई। हमारी एक पहचान है उप प्रधानमंत्री पद तक सीकर लोकसभा क्षेत्र का नाम रहा, दो बार यहां के प्रतिनिधि डॉक्टर बलराम जाकर साहब स्पीकर रहे, मंत्री रहे कैबिनेट और वर्ल्ड पार्लियामेंट फोरम के पूरी दुनिया के 226 देशों के स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ उसके अध्यक्ष है। यानी अपने इलाका जो है यहां के बातों जब कभी बात चलती है देश की रक्षा पंक्ति पर तो बात चलती है, तो इस हमारे संकट जुटने की बात जरूर चलती है। और यहाँ के बहादुरों ने हमेशा छाती पर गोली आगे होकर खाई है, कभी पीठ पर गोली नहीं खाई, ऐसा हमारा पानी है नहीं, जमीनी सतह का पानी नीचे चला गया 10% से ज्यादा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के लिए हम खड़े, 10% पानी हमारे पास होना चाहिए लेकिन मात्र 1% पानी है। जब तक ये पानी 1% की बजाय 10% नहीं होगा पलायन की स्थिति आ जाएगी। और पानी लाने के लिए चाहे कुंभ की योजना हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे अन्य स्रोत से आए, इसके लिए प्रयास नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज प्रयास होगा कल पानी आ जाएगा, लेकिन अगर प्रयास होगा तो इन सालों में सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाए, सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी तो आगे का काम चलता। पानी के लिए जो प्रयास हुआ तो लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में गोविंद सिंह जी ने बार बार विधानसभा में आवाज उठाई, कितनी टंकियां कितना पानी आने की गुंजाइश तो बनी। एक बार भी अगर यमुना के पानी के लिए या कुमारा मंत्री योजना के लिए या केंद्र सरकार के किसी भी योजना के लिए आवाज उठाई हो तो आप सवाल पूछ। 200 मिलियन से जो पानी की बहुतायत के कारण उनके ऊपर अकाल पड़ा, ज्यादा पानी होने के कारण से उनके खेत गवालब भरे हुए, फसल हो नहीं सकती, वो बर्बादी के कंगाल पर शेम के तरह से खड़े हैं। 200 से ज्यादा जिले से जो सूखे के कारण से अकाल में समाये हुए, वो 200 जिले जहां पानी ज्यादा है अगर यहां पहुंच जाए तो ये 200 जिले तो जो है वो पानी से बर्बादर हो जाएंगे और यहां लोगों के चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी और उनसे यहां से वो पानी निकल जाएगा तो उनके यहां भी खुशहाली आएगी। लेकिन इसके लिए बोलना पड़ेगा और ये आवाज उठाने के लिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आवाज पहली प्राथमिकता होगी बेसहारा पशु, आवारा पशु भी कहते हैं, बेसहारा पशु किसान के खेत में किस तरह से नुकीले तार और कांटों को ऊपर करके भी खेत में घुसकर किसान की जितनी बची खुची फसल है उसको बर्बाद कर देते हैं, उस फसल को बर्बाद करने वाले इन पशुओं के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। न राजस्थान की सरकार की मुखिया वसुंधरा जी ने 131 करोड़ रुपए शेष के नाम पर इकट्ठे कर लिए, उसमें से एक पैसा गौशाला वालों को नहीं दिया। गाय की बात करने वाले लोग इनको ये बात करते हुए अगर इनके घर में जाकर अपन ध्यान से देख रहे तो एक गाय नहीं मिलेगी। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर परिवार में गाय पहले मिलेगी। ये किसान है तो असली बोनस है, अपने गांव की गौ सवाइए, अपने घर से हर परिवार से अपने जितने कुएं बने ट्यूबवेल बने हुए जितने कनेक्शन है उसके लिए से चारा जाए अनवाना तो हालत बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। इसलिए मजदूर और किसान और व्यापारी और नौजवान इन सब के हक में एक आवाज आनी चाहिए, हमारी एक पहचान है। देश के 542 लोकसभा क्षेत्रों में सीकर झुंझुनू की बड़ी पहचान है और यहां की पहचान कि वहां का एक विश्वसनीय है आर्मी के जितने बड़े क्षेत्र हैं, आईजी सीबीआई इनके जितने बड़े ऑफिस हैं, देश के गृह मंत्रालय के विश्वस्त लोग यहां पर काम करते हैं, रोज ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर की सूचनाएं जुटाती है, इलेक्शन कमीशन जैसी जगह जहां से कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए, इन सब स्थानों पर सबसे पहले वहां के अधिकारी वहां के मंत्रालय वहां के प्रमुख लोग और मुखिया है कि हमें सीकर झुंझुनू की आज्ञा को देनी है। इतने विश्वसनीय लोग हमारे यहां के हैं जिनकी हिंदुस्तान में एक अलग साख है। आर्मी हमारी लगती है,
जो 5 साल पहले कहती थी कि नक्सलवाद कहां से आया, क्या मनमोहन सिंह जी सो रहे थे, माओवाद कहां से आया, गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, साइन रहे हैं एक और कब्जा बढ़ा लिया, प्रधानमंत्री को जानकारी तक नहीं। ये बात विज्ञान भवन में वर्तमान प्रधानमंत्री कह रहे थे, उनसे अगर उनको ये सवाल पूछे कि 40-40 नौजवान किसी बड़े युद्ध में हमारे नहीं गए, खुफिया फिर कह रहे कि हम एक के बदले 10 और 40 के बदले हमने 400 बार गिराए और उसके नाम पर वोट देने की राजी। इसका जवाब जनता देना जानती है, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है, देश की जनता को पहले बनना है कि मेरे गांव में, मेरी गली में, मेरे नुक्कड़ में, मेरे ब्लॉक में, मेरे पंचायत में, मेरे विधानसभा में, मेरे जिले में क्या हो रहा है। सबसे पहला सवाल हमारा है, हमारे यहाँ क्या अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, वो तो वहां पर बात रखेंगे, पूरे देश के डायरेक्ट वोटिंग तो होती नहीं है, वोट मांग रहे हैं कि चुनाव वो लड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा तो वाराणसी से लड़ रहे, वाराणसी में पैरोकारी करो और गंगा के सफाई के नाम पर वाराणसी में आज वोट मांगने के लिए जब जा रहे हैं तो हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा पड़ रहा है। गंगा मैया की सफाई होगी, 5 साल बाद जब आएंगे तो गंगा मैया स्वागत करेगी, और जब पिछले 3 महीने पहले गंगा मैया के वहां गए तो कैसा विरोध हुआ पूरे हिंदुस्तान में। ये तो बड़े चैनल्स जैसे आदरणीय मोदी जी कहते बड़े घराने इन पर कब्जा कर लिया, अब टीवी में हम देखे तो देखे जो बटन दबाए उस पे वो तैयार, जो बटन दबाए लोग बदलते भी बोल रहे हैं यार इसको, ये झूठ झूठ बोल रहा है, इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो। अभी कहा कि 1.5 महीने में टीवी बंद हो जाए तो जनता का समझ में आ गया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जनता समझी भी है, देख कुछ भी रही है, लेकिन दिल से सब जानते हैं आप सब कार्यकर्ता जो हैं वो ही आगे होकर अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने ढाणी में, अपने नगर के हर वार्ड में आपकी ताकत के बल के ऊपर हम सब जो काम करते हैं फील्ड में उनको शाबाशी जो मिलती है वो आपके कारण से मिलती है। किसी भी ओहदे पर हम आज हैं तो आपके कारण, मतदाताओं को जनता के कारण है। छत्तीस बिरादरी के भाई बहन उनका मान, उनका सम्मान, सुख दुख में उनकी भागीदारी और हम सब मिलकर यहाँ के विकास के आयाम के लिए एक प्रयास करें। आप लोग तो निश्चित रहिए सेंट्रल की सरकार के बजट में पूरी भागीदारी होगी, राजस्थान की सरकार में हमारी शानदार भागीदारी है, शानदार विधायक के रूप में, शानदार मंत्री के रूप में, और कोई ये छुए ये भगवान से प्रार्थना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ सब मिलकर काम करेंगे, सब आमंत्रित है, आज हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, कई करने के काम कैसे करें मेरे को एक होना होगा कि परसों में पाठ मैंने कहा आप कैसा करो भाई साहब, बिजू खड़े हुए सरपंच सारे मेल में करता आज में आया मैं कैसा बोल रहा था गुलाब गुलाब राजकार नहीं बेटा बेटा करता है ना हजार 2000 क्या तो वह 1000 आदमी संपर्क क्लमर के लिए कुछ है कि अब मैं केवलों नाम बताऊं चुनाव आएगा बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जो 1000 आदमी आपके यहाँ शादी में शरीक होने आए आपके यहाँ वो मिलने आए आपको बधाई देने आए आप उनसे संपर्क कर लो पूरा काम होगा, जितने लोग बैठे हैं इस सिस्टम को चालू कर लो उसके बाद आपका काम पूरा होगा। राजधानी का खेल है तो राजधानी की तरह खेलना पड़ेगा, 60,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता भाई गांव गांव ढाणी ढाणी नगर नगर हर फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के इन कमांडर से ये कमांडर की जो टीम है और हमारी इस कमांडर टीम के जो मुखिया है उनकी अगुवाई में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में क्या सोचे इसके लिए हम आपसे निवेदन करने आए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज हम सब मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और साखू चूड़ी
या बड़ा नमियान वाला ये क्षेत्र अपने पूरे इलाके में एक नया आयाम स्थापित करे, इसके लिए हम सब आपके बीच खड़े। प्रार्थना जो है वो आपको रखी गई, मदन जी ने भी विस्तार से आपको बात बताई, सब लोगों ने बताई, आप और हम मिलकर आगे बढ़े। ये जो गाड़ी है ये अभी भाई साहब कर देंगे 99 डिग्री तक तो गर्म पानी होता है, बात तो 100 डिग्री पे बनेगी, इसलिए एक महीने का जो समय है उसमें कहीं निरसा नहीं आ जाए। आज खूब लोग इकट्ठा हो गए लक्ष्मणगढ़ में, बड़ावा में, उससे पहले देशभर में, उससे पहले नगर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हजार लोगों का खाना हुआ, उसके पहले मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पांडे जी, गोविंद सिंह जी, लक्ष्मणगढ़ में आगाज हुआ। ये सब आप ये देख लो, ये सारे काम हो गए क्योंकि छह तारीख को जब तक पतन नहीं लगेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आपके मन के अंदर मेरा है, उत्साह है, विश्वास है, भरोसा है, चेष्टा करेंगे, लेकिन कर्तव्य निष्ठ होकर हम सब एक महीने तक प्रण कर ले तो मैं आपके विश्वास में कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। धन्यवाद। जय भारत। एक अच्छी आई है जैसा स्कूल में कोई विषय खोलवा की भी है और भी है, शिक्षा मंत्री थे बनाती योजना है विषय कर्मोन्नती कमरा कोई कमी रह बजे सेंगे एक कमी तो मेरे को नहीं रह बजा सुवाला का मुख्यमंत्री बनी। धन्यवाद।